जोहार पब्लिक, क्या बिरसा मुंडा भगवान के ऊपर मूवी बनने जा रही है? वो भी बॉलीवुड का हीरो सुपरस्टार अक्षय कुमार मूवी बनाने जा रहा है अपने आदिवासी महान पुरुषों के ऊपर। ये आपके मन में भी जरूर डाउट हुआ होगा और आपने भी ऐसे पोस्टर से देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरे रियलिटी समझाने वाला हूँ कि वास्तव में मूवी बनने जा रही है तो कब आएगी बनकर, इसका डायरेक्टर कौन रहेगा, इसके अंदर एक्टर्स कौन कौन रहेंगे, वो पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपने आदिवासी कल्चर से रिलेटेड वीडियोस में बनाता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर एक्टर्स कौन कौन होने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अक्षय कुमार होने वाला है और रणवीर सिंह होने वाला। इन दो में से अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो डायरेक्टर के ऊपर रहेगा कि डायरेक्टर किसको रखेगा। इस पूरे बिरसा मुंडा की बायोग्राफी बनाने जा रहे हैं तो कितनी गर्व की बात है अपने आदिवासी समाज के लिए कि अपन ने सुना था, लेकिन अपने को एक कहानी के माध्यम से, एक मूवी के माध्यम से पूरा समझने को मिलेगा, पूरा देखने को मिलेगा। तो अपने आदिवासी भाइयों के लिए कितनी गर्व की बात है कि एक सुपरस्टार हीरो बॉलीवुड का अपने आदिवासी समाज के ऊपर एक मूवी बनाने जा रहा है अपने महान पुरुषों के ऊपर। सबसे पहले बात आती है भगवान बिरसा मुंडा की, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म हुआ था झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। बट इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 15 नवंबर 1875 में इसका जन्म हुआ था, और इसने 25 ईयर में, छोटी सी उम्र में, ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा कि इसने लड़ाई लड़ी थी अपने आदिवासी जल जंगल जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे थे जो कि ब्रिटिश शासन के अंग्रेज थे। इसीलिए ये लड़ाई लड़ी थी क्योंकि अपने आदिवासी भाइयों की जमीन छीन रहे थे और मांग रहे थे, उन पूरी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे थे ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों, इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी। फिर बिरसा मुंडा ने धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू किया है। इसका पहला आंदोलन था 1897 में, इसने एक फर्स्ट आंदोलन किया था, पहला आंदोलन किया था। वो आंदोलन चला था रांची के दक्षिण भाग में, आंदोलन चला था ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया, और एक छोटी सी उम्र में ये आंदोलन करना शुरू कर दिया था। और इसके पास लड़ने के लिए ना तो हथियार थे अच्छा, बस तीर और कमान से लड़ाई लड़ता आ रहा था, और धीरे धीरे करके फिर ये लड़ाई लड़ी। और फिर 1897 में फिर एक आंदोलन हुआ था जहाँ पर बिरसा मुंडा और उनके साथियों, जो कि 700 और दूसरे इनके साथी थे, उन सभी ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी, और सभी के पास तीर और कमान ये इस्तेमाल किया गया था। ना तो उनके पास अच्छा हथियार था, आप लोग समझ ही सकते हो उस ज़माने में इनके पास अच्छा हथियार भी नहीं था, तीर कमान से ही लड़ाई लड़ते आ रहे थे। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने एक बातचीत करने के लिए एक पहाड़ी पर एक सभा रखी थी, जो कि जनवरी 1900 में एक सभा रखी थी। एक बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है डोमरी पहाड़ी, वहाँ पर एक संबोधित अच्छी बात करने के लिए वहाँ पर एक सभा रखी थी। लेकिन इतनी देर में तत्काल वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक हंगामा हो जाता है, एक हादसा हो जाता है, बिरसा मुंडा के ऊपर एक हंगामा मचा देता है अंग्रेज। आप लोगों को अभी तक ये डाउट जरूर होगा कि अंग्रेज उस समय भारत में क्या कर रहे थे, झारखंड में क्या कर रहे थे, वो भी मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे और झारखंड में क्या कर रहे थे। जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जो कि बंगाल, बंगाल के प्रेसिडेंसी जो कि भारत में रहते थे उस समय, झारखंड में रहते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बिरसा मुंडा से, लेकिन बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने आदिवासी समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे इसलिए लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे लड़ाई लड़ता गया और कई इनकी लड़ाई चली है, लेकिन जीत हमेशा हुई है बिरसा मुंडा भगवान की हुई है। इसीलिए आदिवासी समाज, आदिवासी के लिए ये भगवान बिरसा मुंडा को माना जाता है, क्योंकि इसने लड़ाई लड़ी है। अगर ये नहीं होता तो फिर अपने आदिवासी लोग अभी कहाँ होते और कहाँ रहते, किसी को कहीं पता नहीं रहता दोस्तों। इसीलिए बिरसा मुंडा भगवान को भगवान माना जाता है आदिवासी समाज के लिए। तो अभी इसकी जयंती भी आने वाली है 15 नवंबर 1875 को, जो कि जन्म हुआ है, तो
15 नवंबर को इसकी जयंती आ रही है बिरसा मुंडा भगवान की, तो आप लोग जरूर पूजिएगा और धूमधाम से मनाएगा। हर क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर धूमधाम से मनाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी थी, लेकिन अब बात ख़त्म नहीं होती है, अब बात आती है फिल्मों के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर कि मूवी बनने जा रही है इसके ऊपर। तो फाइनली वो मूवी कौन बनाने जा रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका डायरेक्टर कौन है। पारंजीत इस मूवी का डायरेक्टर है और मूवी का नाम होने वाला है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और इसके अंदर दो एक्टर्स हैं जो कि अक्षय कुमार और रणवीर सिंह। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट्स है? मेरा तो अक्षय कुमार है, लेकिन इन दो में से एक को रखने वाला है और वो डायरेक्टर के ऊपर होने वाला है। तो डायरेक्टर इन दो में से किसको रखेगा वो डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। बट आपका क्या कहना है, आप किसको रखना चाहोगे, आप किस फिल्म में किसको देखना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अक्षय कुमार को देखना चाहूँगा, अक्षय कुमार मेरा फेवरेट है। लेकिन दोस्तों पारंजीत से मैं ये निवेदन करता हूँ कि उस मूवी के अंदर, उस फिल्म के अंदर कुछ अच्छा दिखाया जाए, ना कि हमारे आदिवासी महापुरुष और आदिवासी भगवान के ऊपर कुछ गलत दिखाया जाए और कुछ गलत किया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पारंजीत को कि अच्छा दिखाया जाए और एक आदिवासी के ऊपर पूरी कहानी बनाई जाए, और दोस्तों जो रियलिटी है वही दिखाई जाए, जो कि बिरसा मुंडा ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी और किस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ी थी वो सब कुछ डिटेल में समझाया जाए, अच्छे से दिखाया जाए, ना कि अपने आदिवासी भगवान, आदिवासी महान पुरुषों के साथ गलत किया जाए।